नीलम लाइफस्टाइल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड आज मैं आपको सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी बनाना बताऊंगी। फ्रेंड ये मैंने प्याज लहसुन और अदरक और हरी मिर्च काट लिए और सीताफल भी काट के रखा हुआ है। और खटाई के लिए मैं इसमें कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्चे आम इसमें ऐड करूँगी, इससे इसमें खटाई अच्छे से हो जाएगी। आम कट करके इसमें ऐड कर लीजिए। सभी आम इसमें मैं तीनों आम कट करके इसमें ऐड कर लूँगी। इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हम तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, जीरा, इसको अच्छी तरह से पकने देंगे, ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाले काट रखे हैं, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे। उनको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, मसाले हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने सीताफल और आम काट रखे हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। अगर आपने कच्चा आम नहीं मिलता तो आप इसमें अमचूर या इमली भी डाल सकते हो। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करेंगे सूखा सूखा ही। इसमें ऐड करेंगे चीनी, क्योंकि हमने खट्टी मीठी सब्ज़ी बनानी है, इसमें चीनी डालना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो या कम तो कम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम चीनी को, जब तक चीनी पानी ना छोड़ दे। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक गिलास पानी। और अच्छे से मिक्स करके इसमें ढक्कन लगा के हम 3-4 सीटियाँ लगाएंगे। 3 या 4 सीटी में अच्छी तरह से ही सीताफल पक जाता है।
और इसके बाद हम ढक्कन खोल के फिर इसको अच्छे तरह से मैश करेंगे, अच्छी से ही अपने हाथों से ही कड़छी से ये अच्छे से मैश हो जाता है। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से मैश हो गए हैं, अच्छे से पक चुका है 3-4 सीटियों से और मैश भी अच्छे से हो चुका है। इस तरह से आप झट से सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी बनाइए। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नीलम लाइफस्टाइल को। थैंक यू फ्रेंड।